हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा हीना पैक आपके साथ शेयर करूंगी जिसको अप्लाई करने के बाद आपके जो ग्रे हेयर है, ब्राउन हेयर है या कई सारे कलर लगा के आप परेशान हो गए हैं, ब्लैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी हीना पैक। तो यहाँ में मैंने लिया है नूपुर का हीना, जो 100% प्योर हीना है और ये मार्केट में मिल जाता है, इजीली आपको मिल जाता है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और ये है प्योर हीना नूपुर का, गोदरेज का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँचे और आप देख सकें, और लाइक भी ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और चलिए, तो सबसे पहले हमें लेना है एक कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई लेना है। लोहे की कढ़ाई क्या होती है, इससे आयरन निकलता है जिससे ब्लैक होता है। कोई भी सामान इसमें यूज़ करते हैं तो ब्लैक होता है, मतलब हीना इसमें घोल बनाएंगे तो ब्लैक कलर छोड़ता है जिससे हमारे जो हेयर होते हैं वो कलर होते हैं जो ब्लैक होते हैं। तो हमें लेना है एक लोहे की कढ़ाई इस तरह। ये बहुत ही पुराना तरीका है, बहुत लोग भूल गए हैं, अभी इस तरीके से नहीं लगाते हीना। तो मैं यहाँ सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, इसी तरह से आप लगाएं तो आपके जो ग्रे हेयर है या वाइट या ऑरेंज हो गए हैं, बहुत सारे कलर लगा के यूज़ कर चुके हो आप, रेड हो गए हैं, तो अगर पुराने हेयर कलर चाहते हो आप वापस आ जाए तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, हीना पैक बना सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट यूज़ किया है नूपुर का, ये 5 रुपये का मिलता है। आप बड़ा पैकेट भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं हीना। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट ही लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हीना इस तरह हम निकाल लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे और हमें करना क्या है, चाय पत्ती का पानी बनाना है। इसमें ये मैंने इस तरह बनाया है, मतलब पानी लिया है और उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाला है और उसको बॉयल किया है। बहुत अच्छी तरह से हम इसमें बॉयल करेंगे, मतलब बॉयल हो जाए पानी, अच्छे से कलर छोड़ दे चाय पत्ती का, तो हम इसको यूज़ करेंगे हीना पैक बनाने में। तो यहाँ पर मैंने लिया है चाय पत्ती का पानी और इसी से हम पेस्ट बनाएंगे इस तरह। जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उसी तरह आपको प्रोसेस करना है, बस और कुछ नहीं करना है, और अपने बालों में अप्लाई करना है। 1 घंटे के बाद हम अपने बालों को वॉश करेंगे, इसको लगाने के बाद 1 घंटे के बाद हम अपने बालों को वॉश करेंगे और आप देखेंगे जो नेचुरल कलर होता है हमारे हेयर का वो आपके हेयर हो जाएंगे, उसी तरह हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हेयर वाइट हो गए हैं तो इस प्रोसेस से आप अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं, नेचुरल ब्लैक होते जाएगा। और ये आप देख सकते हो इस तरह से बना दिया है पेस्ट और हमने इसको रख दिया है ओवरनाइट के लिए, रात में हमने रख दिया है, और सुबह देखेंगे आपका जो हीना होगा ना वो ब्लैक हो जाएगा, इस तरह से ब्लैक छोड़ता है, वहाँ पर आयरन छोड़ता है, ब्लैक कलर का कलर छोड़ता है जिससे जो हीना होता है वो ब्लैक कलर में हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने के बाद हमारे जो वाइट हेयर हैं या ऑरेंज हो गए हैं हीना पैक लगाते हुए, रेड हो गए हैं, बहुत सारे कलर यूज़ कर लेते आप लोग बालों में अपने, तो इसको लगाने के बाद आपके जो पहले जैसे कलर होते हैं ना ब्लैक, वो आ जाएंगे, आपके हेयर हो जाएंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल, इसको विटामिन ई का कैप्सूल 2 मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हैं, अभी मैं डालूँगी विटामिन ई का कैप्सूल हम डालेंगे। विटामिन ई के कैप्सूल से हमें क्या होता है, हमारे हेयर में जो मतलब रफ़ हो जाता है हेयर वो सही हो जाएगा, और उलझे वगैरह विटामिन ई से हमारे हेयर में ग्रोथ होती है और प्रोटीन भी देता है। तो ये आप देख सकते हो विटामिन ई का कैप्सूल मैंने डाल दिया है इसमें, और इसमें हम मिक्स कर देंगे और अच्छी तरीके से हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया सा लेके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, इसको 1 घंटे तक अपने बालों में रखिए, फिर आप वॉश कर लीजिए। अगर आप शैम्पू नहीं यूज़ करते वैसे ही नॉर्मल वाटर से वॉश करिए, फिर आप ऑयल लगाइए अपने बालों पे अच्छी तरह से, ऑयल का मसाज करिए, फिर आप शैम्पू से वॉश कर दीजिए। तो बहुत अच्छा सा मेथड है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया सा लेके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you.